हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आसिफ अंसारी एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। यानी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की हम कंक्रीट वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी अगर क्यूबॉइड फॉर्म में रहता है किसी भी साइज की, तो हम इजीली इसको निकाल लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट करके। ओके, लेकिन ये यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप में है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की फिगर बना के रखा है पहले से। ओके, ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा और ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। ओके, हमें दोनों की जरूरत है इसलिए मैं दोनों बना के रखा है। तो हमें देखना है कि सिर्फ हमें जो हैचिंग लाइन जो दी हुई है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो अब क्या करेंगे ना, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ये जो क्यूबॉइड फॉर्म में जो है इसको हम एक नंबर दे देंगे, और ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप में है इसको हम दो नंबर दे देंगे। ओके, इसका वॉल्यूम निकालना तो ईजी है, लेकिन इसका एक अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, यानी इसका वन दे देता हूं मैं यहां पे। इसकी साइज मैंने कुछ इस तरीके से लिया है कि इसकी लेंथ है 1800 mm और इसकी ब्रेथ है 1800 mm, यानी ये स्क्वायर शेप में हो गया है। ओके, ये इसका लोअर बेस हो जाएगा। अपर बेस के लिए मैंने साइज लिया है 900 mm by 900 mm, यानी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसकी हाइट देखेंगे तो जो क्यूबॉइड शेप का है उसका मैंने हाइट लिया है 200 mm, और जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है उसकी हाइट लिया है मैंने 400 mm। ओके, ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वन, यानी इसके लिए ये एकदम इजी है। हमें इसको क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है। ओके, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1.8 मीटर, मैं सबको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो 1.8 मीटर हो जाएगा, ब्रेथ भी 1.8 मीटर है, और इसकी हाइट हो जाएगी 0.2 मीटर। ओके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.648 m³। ओके, ये हमें इजीली आसानी से मिल गया इसका वॉल्यूम। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ट्रेपेजॉइडल शेप है इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ओके, अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल शेप। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला है h/3, यानी जो हाइट है उसकी हाइट को डिवाइड बाय 3 करेंगे। ओके, प्लस a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप ट्रेपेजॉइडल, किसी भी ट्रेपेजॉइडल शेप की आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो A1 A2 क्या हो जाएगा, A1 जो हो जाएगा इसका जो लोअर बेस है इसका एरिया हम निकालेंगे, A2 हो जाएगा जो अपर बेस है उसका एरिया निकालेंगे, और हाइट हमें यहां पे दी हुई है 0.4। ओके, तो हम इंडिविजुअली A1 A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं A1 की वैल्यू 1.8 × 1.8। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.24 m³। ओके, अभी हमें निकालना है A2 की वैल्यू, यानी अपर बेस का एरिया। तो अपर बेस का एरिया जो हमने ये साइज लिया है 0.9 × 0.9 m, तो आंसर आ जाएगा 0.81 m² हो जाएगा, ये m². ओके, तो ये A1 A2 की वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। ओके, V2 ले लेता हूं मैं, यानी ट्रेपेजॉइडल के लिए। ओके, सो इसका फॉर्मूला है h/3, h कितना है 0.4 m, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ओके, A1 आया है हमारा 3.24 प्लस A2 हो जाएगा 0.81। ओके, प्लस करेंगे अंडर रूट A1 3.24 इंटू 0.81। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.756 m³। ओके, अब हमारा दो आंसर मिल गया, एक क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम आ गया, ट्रेपेजॉइडल शेप का वॉल्यूम आ गया। ओके, अब हम इस दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो टोटल वॉल्यूम
हो जाएगा 0.756 प्लस 0.648, तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 1.404 mq। ओके, तो ये आपको आंसर मिल गया इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की वैल्यू। ओके, तो बहुत इजी मेथड है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ये तो सबको पता ही रहता है, ये हम भूल जाते हैं। ओके, तो इसको आप याद रख के किसी भी साइज की ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।